हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, मैंने 1.1 पूरा कवर करा दिया। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा वो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, उसमें सारी वीडियो अपलोड है। तो आज हम 1.2 एक्सरसाइज कराने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है, क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा और कैसे इसे करना होगा। कैसा भी क्वेश्चन हो, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप इजी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि 1 करोड़ में कितने थाउजेंड होते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 करोड़ में जीरो कितनी होती है। तो आपको ये चीज़ पता है तो आप इजी से कर पाओगे। ठीक है, तो हमें पता है कि पहले लिखेंगे 1 करोड़, पहले लिखेंगे 1 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7। आपको अगर नहीं पता है कि जीरो कितनी होती है तो मैं एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो आपको ऐसे कॉमा लगा लेने हैं, तो ये 100 होगा, 1000 हो जाएगा, 1 लाख, देखेंगे 1 करोड़। उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें करना है डिवाइड। डिवाइड किसका करना है, तो ये 1000 पूछा कितने थाउजेंड है, 1000 लिख लेना, नहीं 1 2 3, इसको काटना है 1 2 3, कितने होंगे तो देखेंगे 10000, 1000 हमारे होंगे। यहाँ कितना फेल हो जाएगा, तो आंसर पहले का आंसर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख लेंगे, पहले का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, देखेंगे थाउजेंड। ठीक है बेटा, ऐसे ये दूसरा में हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे इसका ये बी वाला पार्ट, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, तो आपको यहाँ पे लिख लेंगे 6 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने का नीचे डिवाइड करना है, 1000, 1000 में कितने होते हैं, 3 काटेंगे इससे, 3 जीरो कट जाए, कितना बचेगा हमारा आंसर बिल भी, थाउजेंड। सी में क्या पूछा गया, सी में पूछा गया 10 मिलियन में कितने लाख लाख होते हैं। तो देखो 10 मिलियन लिखेंगे, 10 मिलियन आपको पता कैसे लिखा जाता, 7 जीरो, 7 जीरो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्लू से लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड, कैसे डिवाइड करना, लेख 1 2 3 5। आपको पता नहीं है कि हमारे 10 मिलियन कितने हो, तो देखो ये लगा लेंगे, ये पता है ये 1000 होता है, ये मिलियन होता है, 10 मिलियन हो गए, तो काटेंगे 5 जीरो को काटेंगे, कितना बचेगा हमारा, 1.5 लाख। क्लियर, इन्हीं को इसी हिसाब से अगर आप करेंगे ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, 100000। तो पहले तो 100 लिखना है, 1000 3 जीरो डिवाइड, पूछा कितने लाख होंगे, लाख मारो, काट देंगे ये, ओनली क्या होगा 1 लाख। क्लियर, इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सबसे अच्छा तरीका करने का और सबसे सही तरीका, सटीक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हमारा देखें 2 का सॉल्यूशन, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। ठीक है बेटा, तो अब हम चलते हैं, राइट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 नंबर एंड द
फाइंड द डेयर डिफरेंस। तो ये कह रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 7 डिजिट का तो लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट 7 डिजिट्स ठीक है, कितना 1 2 3 4 5। कि हमें 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना, तो कह रहे हैं ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर। आगे चलते हैं, 5 डिजिट का क्या हो जाएगा, 1 2 3 5। क्लियर। अब क्या करना है, इनका करना माइनस, बोला गया है कि क्या निकालना है, डिफरेंस माना होता है माइनस, ठीक है, माइनस करना। तो देखो ये 10 हो जाएगा, ये 9 9, ये 9 ये 9, और ये भी हमारा 9 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये 1 हो जाएगा, 0 0 0, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, कोई टफ नहीं था। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर ये हो जाएगा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा ये हो जाएगा, इन दोनों का माइनस हमारा ये हो जाएगा, यही पूछा गया। ठीक है, तो अच्छे से आप वीडियो पॉज करके इसे या स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो, ठीक है। क्लियर, अब हम इसको इरेज करने वाले हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, पढ़ना का, प्लेस द कॉमा अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन इन द फॉलोइंग द नेम, द नेम, इनके नेम भी लिखने हैं और हमें क्या करना है, कॉमा भी लगाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम एक आपको मेथड समझाएंगे, उसके हिसाब से आप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था, ये सबसे पहले हमें क्या सिखाना है, इंडियन सिस्टम। तो पता, सबसे पहले हम करोड़ से ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10 करोड़, ठीक है, और लिखेंगे करोड़, फिर कॉमा आएगा, ठीक है। उसके लिखेंगे 10 लाख, उसके बाद लिखेंगे लाख, उसके बाद लिखेंगे 10,000, उसके बाद कॉमा आता है, 2,000, फिर कॉमा, फिर 100 10, फिर 1। तो मैंने क्या क्या सिंबल लिखे वो भी लिख दें, ठीक का मतलब 10 है, का मतलब करोड़ है, एल का मतलब एक है, एच का मतलब 1,000 है, का मतलब 100 है, सब 10 है, ओ का मतलब 1 है, ठीक है। ये आप अगर प्ले सिस्टम ये याद कर लेंगे ना, ये सिस्टम याद कर लेंगे, क्वेश्चन को करना बहुत आसान ही रहेगा। इस सिस्टम को यूज करते हैं पहले ही क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखा, 2 2 5 7 8 0 9 3। क्लियर बेटा, कॉमा लगाएंगे, लगा लिया। उसके बाद बेटा हमें क्या करना है, प्लेस को लिखना है, हमें पता है ये क्या होता है, करोड़, 10 लाख, 1,000, 10,000, 1,000, 100 10। तो बहुत आसानी हो जाएगी लिखने के लिए। तो बोला क्या है कि 2 करोड़, क्या बोलेंगे, करोड़, ठीक है बेटा। उसके बाद लिखा है 25 लाख, क्या लिखेंगे,
5 लाख। बात क्या है, 78,000 थाउजेंड वाला कॉमन है, 78,000 ठीक है। उसको क्या लिखा है, बस इधर 93 लिखना ठीक, क्लियर। इस हिसाब से आप लिखोगे तो कभी आप गलती नहीं करोगे। दूसरे क्वेश्चन में भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं मेथड को, तो आपको ये लगे कि ये मेथड हमारे थोड़ा इजी हो गया। उसको लिखा 7, 8, 9, 8 कॉमा लगाते हैं, आपको इजी क्या लिखना, ये हमारा थाउजेंड वाला कॉलम है, ये लैक वाला है, वही ये करोड़ वाला, क्या लिखना 7 करोड़ 99 लाख 99 लाख। आगे बढ़ेंगे 85 85 देन 7 8 80 6। ये बेटा ऐसे हम थर्ड क्वेश्चन को कर लेंगे, थर्ड क्वेश्चन को भी यही कर थर्ड लिखा 300050 300050 8599 कॉमा लगाएंगे, कॉमा इंडियन में हमेशा याद रखना 3 से स्टार्ट होता है, पर 2 2 के बाद लगता है ठीक है। आप देखो इसको, हमें पता है ये करोड़ का, ये लेख का, ये थाउजेंड का है, और ये उसको पता ही है। तो लिखेंगे 30 करोड़ एट थाउजेंड हंड्रेड 9। फिर बेटा हैंड राइटिंग समझ में आ रही है बेटा, बिल्कुल अच्छे से लिखिए, बिल्कुल साफ साफ ठीक है बेटा। तो इसी अप्रोच से अगर आप करेंगे ना तो कभी आप गलती नहीं करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। इस सिस्टम से जो मैंने सिस्टम लिखाया है, इसी सिस्टम से आपको करना है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वीडियो पॉज करे अच्छे से नोट कर लो ठीक है। कॉन्सेप्ट को साथ साथ नोट करते चलना है, कॉन्सेप्ट को साथ साथ अगर नोट नहीं करोगे ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी ठीक है। तो मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, फिर आपको मैं समझाने वाला हूँ इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, उसे कैसे किया जाता है। तो उसको मैं इरेज करने वाला हूँ, आ गया बेटा इंटरनेशनल सिस्टम को समझ। आपको पता है इसमें क्या होता है, हमारा बिलियन मिलियन ठीक है ट्रिलियन आता है, लेकिन हम मिलियन तक ही समझ लेते हैं, आपको बिलियन का यूज कहीं नहीं किया, कहीं किया गया तो हम बिलियन तक आपको समझा दे रहे हैं ठीक है। सबसे पहले आता है बेटा, मैं बता दूँ, सबसे पहले आता है 100 बिलियन, फिर आता था 10 बिलियन, फिर कॉमा आता, उसके बाद क्या आता है 100 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर मिलियन,
कॉमा, फिर 100,000, 10,000, उसके बाद 100 आता, उसके बाद 10 आता, उसके बाद, ठीक है। आप देख लेंगे इसमें जो है डिजिट थ्री थ्री डिजिट हैं, ठीक है। तो आपको बताया कि एच को हम क्या पढ़ेंगे, आपको अभी बताया था डिजिट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 10 पढ़ेंगे, बी को क्या पढ़ेंगे, बी को क्या पढ़ेंगे बिलियन, एम को क्या पढ़ेंगे बिलियन, एच को क्या पढ़ेंगे थाउजेंड। ये आप सारी सिंबल पता है क्या चीज क्या लिखी है, क्लियर। ऐसे ही फार्मूले को हम सेम इसमें अप्लाई करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर का पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है 5884, 5684, 2372, क्या बोला गया, ध्यान रखना इस वर्ड को, हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, बिना कॉमा के आपको नहीं करना है। कॉमा लगाएंगे बहुत ध्यान से लिखेंगे बेटा, गलती मत करना इसको, बहुत ध्यान से लिखेंगे। ये पता आपको, ये कॉलम अब हमें पता है, इसको लिखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये हमारा थाउजेंड का कॉलम है और ये हमारा मिलियन, लिखेंगे 56, इसका कॉलम है मिलियन का। इसके बाद क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे इस वर्ड को, 842, ध्यान रखना 842, गलती से मत करना है, 800, फिर क्या लिखेंगे, क्योंकि तो एक जो कॉलम में हमारा किसका है थाउजेंड का, उसके बाद क्या लिखेंगे ये वाला 3, एट 20, ऐसे आपको कर रहा है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन को लिखेंगे कितने बार सिक्स है, मैं काउंट कर लेता हूँ, 3, 9 बार सिक्स है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, क्लियर। कॉमा लगा लिया, ये थाउजेंड का है, मिलियन का, बहुत अच्छे से लिखेंगे, कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक है बेटा। लिखेंगे 6, 8, 3, 666 मिलियन, बात कर लेंगे, फिर यही रिपीट करेंगे, क्या 6,000, 100, 6, ये अप्रोच से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगर इस अप्रोच से आप करोगे ना तो आपको गलती नहीं, क्या लगा 666 मिलियन, 666,000, 666, ठीक है। नंबर सी को भी कर लेंगे, नहीं देखो
लिखेंगे 3860 3860 7500 कॉमा लगाएंगे फिर लिखेंगे क्या लिखा थर्टी एट मिलियन सिक्स ट्रेड सेवन टेन बात समझ में आ गई आपको कोई डाउट इसी प्रोसेस से आप लिखेंगे तो कभी आप गलती नहीं जैसे आप इंडिकेटर बना लेंगे 1000 का है ये हमारा क्या है बिलियन का बिलियन तक तो कोई क्वेश्चन आपका गया भी नहीं ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा कवर हो गया आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 को ये वीडियो पॉज करें आप लिख लीजिए क्वेश्चन 5 को देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो हम कराएंगे क्वेश्चन ठीक है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं रेस करने वाले हैं क्वेश्चन को ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 तक किसी को अगर दिक्कत है ना तो यहाँ वीडियो पॉज करें उसको दोबारा से रिपीट करके देख ले ठीक है बेटा रिपीट करके अगर आप देख लेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 5 को देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को समझना और अच्छे से करना ठीक है चलो मेरा 8,23,800 इसको कैसे लिखना है तो आपको मिलियन तक पहले प्लेस बना लेंगे जिससे आपको गलती ना हो क्या करना मिलियन तक 8 मिलियन तक आपको प्लेस बना लेने हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्या नाम है मिलियन तक प्लेस बना लेंगे कहाँ तक मिलियन तक देखो 1 3 प्लेस आपको दिख रहे लाइनें दिख रही हैं यहाँ पे तो आपको पता है ये मिलियन तक है एक ही क्यों बनाया कि अभी एक डिजिट की बात है 8 की बात कर रहा है ठीक है क्लियर देखो प्लेस को भरेंगे ये मिलियन का है ये हमारा 1000 का है ये हमारा पता ही है आपको इसको बताने की जरूरत मेरा 8 मिलियन उसके बाद कह रहा है कि 23,000 तो 23,000 कहाँ बढ़ेंगे यहाँ पे बढ़ेंगे इसको छोड़ देंगे क्यों तो बढ़े 3 डिजिट में तो 100 जैसा बनता है नंबर ठीक है उसके बाद कह रहा है 800 हमारा क्या बढ़ेगा 100 बने तो बाकी हमारा प्लेस बचा है ना उसको क्या करेंगे जीरो में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर विल बी हमारा हेयर 8073800 कॉमा लगाना चाहो तो कॉमा लगा ले क्या बन गया बी वाला क्वेश्चन देखो पहले में क्या कह रहा है 62 मिलियन दो प्लेस बनाएंगे मिलियन में 1000 में 3 बनेंगे बीच में कोई प्लेस कम नहीं होगा स्टार्टिंग में कम करेंगे ठीक है उसके बाद देखेंगे 62 मिलियन तो 62 मिलियन हो गया उसके बाद लिखा है 83,000 83 का मतलब क्या है 83 बाद क्या लिखा है 561 बचा हुआ प्लेस पे जीरो तो आंसर विल बी 683561 कॉमा लगाना चाहो कॉमा ठीक है ठीक को देखेंगे
है, क्या लिखा? 200 मिलियन, 200 मिलियन, 200 मिलियन की बात करा तो 3 डिजिट बनेंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे, 200 मिलियन, 200 यहाँ पर आ जाएगा पूरा। उसके बाद 300, 354, 354 और 1000 में कुछ है नहीं तो जीरो। आंसर बिल भी ध्यान रखना 50 आ जाएंगे, 2 की 1 5 3 5 4। कमा लगाना चाहो तो कमा लगा लो, उसको देख गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, 6 के पहले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में देखो क्या बोला, अब इंडियन की बात कर रहा, 6 करोड़, तो करोड़ तक पहुंचेंगे हम, 1000 100। ये देखो ये करोड़ का है, 1 का, ये 1000 का है, कह रहा 6 करोड़, भर दिया 6 करोड़। उसके बाद क्या, 15 लाख भर दिया। उसके बाद 1000 की बात निकल रही सीधी का 22 बचे में, तो क्या आ जाएगा आंसर बिल भी, 615 300। हम लगाना चाहो, ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखेंगे। बोला 17 करोड़, यानी 2 डिजिट बनेंगे। प्लस 17 करोड़ कॉलम वाले में, लैक में कितना बोला गया, 48 लाख हो जाएगा बेटा। फिर आगे बढ़ेंगे, 48 लाख यानी कि 83,000 में कुछ सर क्या हो जाएगा मेरा, 1748 0083। सी वाला देखेंगे, सी वाला 94 लाख, 94 यानी कि 94 लाख बस एक ही तक, 94 लाख। उसके बाद 52,000, आगे कुछ है नहीं, यही ये बचे हुए जीरो, 94 लाख। तो ऐसे हिसाब से अगर आप क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होगी, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, और एक एक क्वेश्चन को आप दोबारा से चेक करेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं निकले। ओके, आप जब दोबारा से चेक करेंगे इस मेथड से करने के बाद, तो मिस्टेक करने के चांस ही नहीं, ठीक है बेटा। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपके मिस्टेक होने के चांस ना के बराबर रहेंगे, ठीक है। तो आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके का फार्मूला अपनाया है, तो ये चीज़ लिखी मैंने, ये बेटा पेंसिल से आप देखना, जैसे इरेज कर दो, ठीक है। यार बेटा भाई, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। पूरी बुक अच्छे से चल रही है यहाँ पे, कोई भी एक चीज़ एक क्वेश्चन नहीं हम नहीं छोड़ने वाले। हमारा कहाँ तक कवर हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर हो गया, 8 9 10 11। तो आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, जय हिंद।